दरअसल आगरा की यदमापुर तहसील के ग्राम अगवार खास के ग्रामीणों ने खबर एक्सपर्ट से सफाई कर्मी भीरमा देवी द्वारा करीब 3 महीने से गांव में नालियों की सफाई न करने की शिकायत की है। उनका कहना है कि गांव में गंदगी फैलने से बीमारियों की आशंका बढ़ रही है। वहीं इसकी पड़ताल खबर एक्सपर्ट के संवाददाता द्वारा की गई तो नालियां चौक पड़ी हुई थी, रास्तों पर जलभराव था। बरसात के मौसम के चलते हुए गांव की गलियों में कीचड़ और मिट्टी से मच्छर पैदा हो रहे हैं। गांव अखबार खास में मौसम के अनुसार चल रहे वायरस से ग्रामीणों में बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। किसान बनवारी लाल का कहना है कि सफाई कर्मी भीरमा देवी से सफाई के लिए कहा जाता है तो वो अभद्र भाषा का उपयोग करती हैं। यही बात जब उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की तो उसका जवाब था कि शिकायत करने पर कुछ नहीं होगा, मेरा काम मेरे स्तर से ही चलेगा, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। वहीं उनका कहना था कि अधिकारी काम करने नहीं आएंगे, मेरी इच्छा के अनुसार काम करूंगी। वहीं शिकायतकर्ता में तमाम सारे लोग मौजूद रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार पंचायतों में सफाई और नालियों के लिए लाखों रुपए की लागत लगाने के लिए लाखों रुपए पंचायत को पे कर रही है, लेकिन पंचायत के कर्मचारी पंचायत को और प्रदेश सरकार को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते चलें, विकास खंड एतमादपुर की ग्राम पंचायत अगवार में है, जहां पर आप देख सकते हो नालियों में एकदम कीचड़ का अंबार लगा हुआ है, नालियां बंद हैं, सफाई कर्मचारी लगातार सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। यही ग्रामीणों ने आज खबर एक्सपर्ट से शिकायत की, खबर एक्सपर्ट को लिखित में शिकायत की। खबर एक्सपर्ट की टीम आज बगलोक के गांव अगवार में है, जहां पर ग्रामीण इकट्ठे हैं, ग्रामीणों से बात करते हैं क्या राय है, क्यों उनको मीडिया की शरण लेनी पड़ी। बाबा राम राम। राम राम भैया। क्या नाम है? मेरा नाम बनवारी है। क्या समस्या है, क्यों ये समस्या है? मेरी फसल नष्ट हो जा रही है और विषय में कहता हूँ तो कहती है अरे है जाएगी, जा अपने बुड्ढे बकरे आए जा हमसे। कौन है जो आपसे अभद्रता से बात करती है? कौन है? सफाई करती का सो है। क्या कहाँ की रहने वाली है? वो बाहरी गांव हरपालगढ़ी है। क्या नाम है? नाम का मुझे वो पता नहीं है इसका। गांव में आपके यहाँ जो काम करने के लिए कब से नहीं आई? करीब करीब वो है यहाँ 3-4 महीना, तब तो मैंने ना देखी, एक दिन मिली है बस, वो घर गया हूँ मैं इसके। क्या कहा था आपने? मैंने जो तेरे हाथ जोड़ू और तू मेरी सफाई करे भाई, नाली साफ कर दे बहुत करो, वो 50-100 रुपए ले ले, पर बाने कोई जवाब नहीं था, उनको ही जवाब दिया। क्या कहा था उन्होंने आपसे? बात नहीं हो रही करे बान जी, बात कही अपनी करवा ले हम बना है रही। अच्छा हाँ, तो आपने ये नहीं कहा कि आपको तनख्वाह मिलती है सरकार से, पंचायत आपको तनख्वाह दे रही है, पंचायत का काम तो आपको करना होगा? वो जी बात मैंने ना कही बात है। अच्छा, हाँ झूठ साँच नहीं बोलूंगा, मैंने चुपचाप औरत के जाते उठी तो बुढ़ाप हो गए। अच्छा, और भी लोग हैं ग्रामीण, हम उनसे भी बात करते हैं। चाचा का नाम है आपको? अनवर अली। क्या समस्या है? समस्या जैसा नाली सफाई करने के लिए नहीं आती है। अच्छा, कौन नहीं आती और कब से नहीं आ रही है? जी कम से कम 6 महीना दिन आई भीरमा है। अच्छा, हरपालगढ़ी की, और हमने शिकायत वीडियो साहब से भी शिकायत करी, और जो तुम्हारे विकास दुबे हैं उनको भी एप्लीकेशन दे के आए, उनने भी मतलब पेंडिंग में डाल दी, कोई मतलब जवाब नहीं दिया, नहीं उससे मतलब कोई दबाव दिया। आपका मतलब है जो सफाई कर्मचारी के खिलाफ आपने खंड विकास अधिकारी को भी शिकायत की, संबंधित सफाई कर्म के जो अध्यक्ष है उनको भी शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि सफाई करने के लिए हर महीने आए, रोजाना नहीं, हर महीने आए तो देखना आप सफाई करने के लिए किस किस तरीके से मतलब पानी भरा है रोड पर, बच्चे निकलने में परेशान है। क्या समस्या हो रही है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सफा करने के लिए नहीं आती है। आपको क्या परेशानियां होती है? परेशानी खरंजा पे पानी भर रहा है, मतलब बच्चा ना निकल पा रहे, बच्चा गिर रहा है, यहाँ देख सकते हो आप वीडियो बना सकते हो। हाँ भाई, और भी हमारे साथ बच्चे हैं, बच्चों से पूछते हैं। बेटा क्या नाम है? साजिद। क्या समस्या आती है? ये यहाँ पे नाली का पानी भर रहा है, बच्चे गिर जाते हैं और क्या। अच्छा, आप भी बच्चे हो, आप विद्यालय जाते हो, क्या यही होकर गुजरते हो और क्या? अच्छा, तो कभी गिरे आप विद्यालय जाते समय कभी गिरे हो क्या? यहाँ रविवार गिरे हैं। अच्छा, फिर बहुत बार गिरे हैं, बच्चे भी गिरे हैं, लग गई है किसी की चांद बटकी, किसी को कुछ। और भी लोग बैठे हुए हैं, बात करते हैं। भैया क्या नाम है? खड़े हो जाइए। नसरुद्दीन। क्या समस्या है? समस्या ये सर, यहाँ निकल ही नहीं पाते हम लोग, यहाँ पे बच्चे वगैरह भी गिरते हैं, नाली पूरी अड्डी बड़ी है, खरंजा पूरा पानी से भरा हुआ है, निकलने की। आपने इससे कोई अधिकारी या प्रधान या जो सफाई कर्मचारी उससे शिकायत की? नहीं, हमने शिकायत नहीं की। कब जो सफाई कर्मचारी है वो कब से नहीं आया यहाँ पर? करीब हो गए 5-6 महीना हो गए, एक बार इनने शिकायत भी की तो उनसे दोबारा आके लट्ट चलाने के तैयार होगी इनसे। क्या कुछ कहा उसने? उनसे उल्टी सीधी गाली गुप्ता कर रही थी इनसे, अनवर अली से। क्या कह रही थी? और इतना तो मैंने गौर नहीं किया, गाली गुप्ता कर रही थी। मैं अपने काम पे जा रहा था, काम पे निकल गया था फिर मैं सीधा। और भी लोग हैं हमारे यहाँ पर ग्रामीण हैं, जो मीडिया को देखते बाहर निकले हैं घर से, बात करते हैं। चाचा राम राम। क्या नाम है आपका? अवधेश।
क्या समस्या है, क्यों लोग इकट्ठे हुए हैं? बता रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी है वो समय से पंचायत में नहीं आते हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं, अब नालियां भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अटी हुई है, क्या कुछ कहोगे? मैं रास्ता है यही परेशानी है बीजेपी की, मुझे परेशानी है, नाली अटी बढ़ी है, माता रोड और भरी रही है नाली। जैसे ग्रामीणों का आरोप है सफाई कर्मचारी है जो कि जो पंचायत में नहीं आते हैं सफाई करने के लिए, और पंचायत के मेन रोड है, मेन रोड जो है कि एकदम अटा हुआ है नाली, जो जिसको जो कि एकदम कचड़े से अटी हुई है, और यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उस पर न तो प्रधान ध्यान दे रहे हैं, ना सचिव ध्यान दे रहे हैं, ना ही यहाँ संबंधित अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODF प्लस पंचायत, जिसके लिए लगभग नाली खरंजा जल भराव के लिए सरकार ने लाखों रुपए दिए पंचायत को, लेकिन ऐसी इस पंचायत में ये अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगाते लगा जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ और है, माता जी है, जानते हैं। हाँ जी, परिचय दे दीजिए। यही परेशानी है नाली की, बच्चा लिखता है, गाड़ी लिखती है, एक आध गाड़ी बच्चन ने ठोक जाते हैं, तो जो यही है कि सफाई क्या चाहते हो? सफाई चाहते हैं हम तो, सफाई के लिए सफाई कर्मचारी है तो सही, कोई ना आवत रोज सफाई करने आती है, कोई ना आवत कोई फोटो अपलोड बिल्कुल एक दिन ना आ रही 6 महीने। हाँ भैया, ये क्या सही कह रहे हैं? वो आती नहीं है, नहीं आती। हाँ भैया, क्या कहते हो, आती है? सही कह रहे हैं, नहीं आ रही है। तो वो फोटो तो रोज अपलोड हो रहे हैं? हर तो वो हो रहे होंगे, तो उससे कोई ना मैन करने जा रहे हैं, देख रहे हैं रोज सफाई हो रही है, ये चौक हो गई पड़ी है कब से, अब देखो ना कि ये कितना कीचड़ डरा हुआ है, हमें बच्चे कूड़ा वगैरह भरा हुआ बच्चे ने चार बार। भैया क्या सही बात है? वो आती है? सही बात है, आती नहीं है, 5-6 महीने से मोटरसाइकिल भी वाले गिर गए दो चार तब, और माता पे जाते हैं, वहाँ माता पे गिर जाते हैं। माता क्या कह रहे हो, माता पे कौन जाता है? माता पे लोटा डालने जाती है औरत लड़की सब, माता बहना जाती है, वे बहुत दुखी है, वे हमसे शिकायत करती है, बाजरा में काट रहे हैं, क्या करें, मजबूरी हमारे यहाँ है, जल भराव के कारण, जल भरा हुआ, नाली का पानी चल रहा गंदा। आज खबर एक्सपर्ट की टीम जनपद आगरा के विकास खंड एतमादपुर की ग्राम पंचायत अगवार के गांव अगवार खास में है, जहां पर हमने देखा कि ये ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी की लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। पहले भी खबर एक्सपर्ट के द्वारा इस खबर को उठाया गया था, जिस पर कार्रवाई हुई थी, समय दूसरे ही दिन आकर इस सफाई कर्मचारी ने सारी नालियां सफाई की थी। आज फिर ग्रामीणों ने खबर एक्सपर्ट से अपने न्याय के लिए गुहार लगाई है, अपनी शिकायत की। अब देखने वाली बात यह होगी क्या उचित कार्रवाई होती है।